स्वागत है आपका इजी रेसिपी में। आज हम बनाएंगे टमाटर की चटनी। टमाटर की चटनी को आप घर पर कोई सब्जी अवेलेबल ना होने पर ट्राई कर सकते हैं, या फिर आपका सब्जी बनाने का मन ना हो तो भी बनाकर ट्राई कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए। मेरी आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए। चलिए टमाटर की चटनी बनाना शुरू करते हैं। टमाटर की चटनी बनाने के लिए कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल ले लेते हैं। सरसों के दाने चटक जाने के बाद गैस का फ्लेम लो कर देते हैं। गैस का फ्लेम लो करने के बाद 10-15 कड़ी पत्ते को वॉश करने के बाद बारीक कट करके डाल देते हैं। कड़ी पत्ते डालने के बाद 6-7 हरी मिर्च को बारीक कट करके डाल देते हैं। हरी मिर्च को आधा मिनट भूनने के बाद 2 मीडियम साइज की प्याज को बारीक कट करके डाल देते हैं। प्याज डालने के बाद टेस्ट के अनुसार नमक डाल देते हैं। नमक डालने के बाद प्याज और नमक को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन आ जाने के बाद गैस का फ्लेम लो पे कर देते हैं। गैस का फ्लेम लो करने के बाद 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं। दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। हल्दी मिर्च डालने के बाद 1/2 मिनट के लिए पका लेंगे। 1/2 मिनट पकाने के बाद 400 ग्राम टमाटर को बारीक पीस कर डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद टमाटर को मसालों में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसालों को टमाटर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद गैस का फ्लेम हाई पे कर देंगे। गैस का फ्लेम हाई पे रखते हुए टमाटर को तेल अलग हो जाने तक ढककर पका लेते हैं। चटनी को बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे जिससे कि चटनी तले में ना लगे। चटनी को पकते हुए 8-10 मिनट हो गई है। चटनी को मैंने बीच बीच में चलाते हुए पकाया। चटनी से तेल अलग हो जाने के बाद गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। चटनी को सर्व करने के लिए बाउल में निकाल लेते हैं। टमाटर की चटनी को आप रोटी, पराठा, पूरी, नान के साथ सर्व करें। टमाटर की चटनी बनाने की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई है, रेसिपी को ट्राई करें। अपने अनुभव कमेंट करके मेरे साथ शेयर करें।